अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। दो अहम डेवलपमेंट्स आज हुई। आज APS का जो केस था, पटिशन नहीं, खुद नोटिस वो मोटो लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक केस की हियरिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को समन किया कोर्ट में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पहुँचे जो कि पहुँचना चाहिए था, और उन्होंने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लंबी रिपोर्ट है जो कमीशन ने बनाई थी, जुडिशल कमीशन ने तैनाती की थी, उसके बाद 550 सफ़ों की रिपोर्ट थी, 525 पेजेस। लेकिन जिस बात पर आज चीफ जस्टिस साहब इसरार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 20 अक्टूबर को एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर उस ऑर्डर को देखें तो उस ऑर्डर में ये कहा गया कि जो वालदेन हैं बच्चों के, अब ये जैसे आप सुन रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमें वी डोंट नीड कॉम्पनसेशन। जो लोग ज़िम्मेदार हैं इस कत्लेआम ही हुआ था थ्रू अ सुसाइड बॉम्बर, कि वो बच्चे जो हमारे शहीद हुए और उसमें टीचर्स भी थी, तो उनकी निशानदेही की गई, और उन्होंने कहा कि इन लोगों को, जो ये नहीं कि जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद लोग थे उन्होंने यानी कि दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कहा कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र किया, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र किया, DGISI का जिक्र किया, सेक्रेटरी इंटीरियर का जिक्र किया। उन्होंने कहा इन सब को यानी कि इन सब के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब वो ऑर्डर हमने भी देखा, अब हुकूमत क्या कर सकती है, दैट्स अ यू नो, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि जी 80,000 लोग भी शहीद हुए हैं इस मुल्क के, तो ये आप पूछें कि जी ये जंग में हमें लेके कौन गया, ये काउंटर टेररिज्म की जो जंग थी उसके नतीजे में हमने जितना भुगता। उन्होंने कहा कि 500 से ज़्यादा हमारी ड्रोन अटैक्स इस मुल्क में हुए, तो चीफ जस्टिस साहब यू आस्क दिस क्वेश्चन, इस पर रिपोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आप इस पर एक्शन लें, आप रिपोर्ट बनाएं। कहने की बात यह नाज़रीन, इतनी लंबी बात है, छोटी सी बात, ये कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा, ये डिबेट चलती रहेगी। ये एक एकेडमिक ही सवाल होता है, हम पॉलिसी बनाते हैं, ब्लंडर करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर ब्लंडर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर अपनी एक बात पर यू नो, वो उनका स्टांस रहा है कि हमें नहीं जाना चाहिए था जंग में। लेकिन ये जो है सानिया, उसके नतीजे में जो कहा जा रहा है कि जो यानी पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता। और आपको ये बताएं कि जिस दिन ये हुआ था उसके दूसरे दिन सुबह हम खुद ज़ाती तौर पर वहाँ पहुँचे, और वो यानी कि जो उस वक्त सूरत हाल थी, यानी क़यामत का समा था, और वहाँ हमने लोगों से बात की जो उस वक्त कमांडोज मौजूद थे, और उन्होंने बताया था कि उससे एक शाम पहले बहुत ज़्यादा बारूद वगैरह लेके लाके रखा गया था वहाँ। वो जो लोग थे ऑन द स्पॉट, किस तरीके से उन्होंने आने दिया इतना बारूद अंदर, ये क्या हुआ, तो ये भी कहा गया। आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जी ये जो आर्मी के लोग थे, यानी कि जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया एक्सेट्रा। लेकिन भारत अभी पूछेंगे हम हमारे पैनल से कि उस पर क्या हो सकता है। दूसरी बात जो अहम है, और लेट मी से इट्स शॉकिंग, इससे अलावा कोई मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती। आपको मालूम है कल एक जॉइंट सेशन होने वाला था, जिसके लिए हुकूमत के बहुत स्पोक्स पर्सन बार बार कहते थे जी अब ये हमारा जो बिल है पास हो जाएगा, EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, और ऑर्डिनेंस की भी बात हो रही थी जो नैब से ताल्लुक है, जी ये सब हो जाएगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आज उन्होंने जोहराना दोपहर का खाना दिया, और उस पर सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था इस हवाले से। मकसद इनका चेंज नहीं है, ये करप्ट सिस्टम की पैदावार है, और ये चेंज नहीं आने देंगे, ये चेंज हमने लेके आना है, ये हम सबका इशू है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आपने पूरी तरह इसको एक नेशनल इशू बना के इसमें पूरी शिरकत करनी है। आपका मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे, ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इंशाल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूँ कि आपने इसको एक जहाद समझ लिया, ये आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। शॉकिंग क्यों कह रहे हैं हम नाजी, शॉकिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिहाद की तैयारी की है कल, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग होगी उधर वोट डाला जाएगा, वोट डालें, और यानी कि शायद घंटा भी नहीं गुजरा था तो फवाद चौधरी साहब इन्फॉर्मेशन जो होंचो हैं उन्होंने एक ट्वीट की, और ट्वीट में उन्होंने कहा अब ये तय हुआ, अब हंसे या रोए मालूम नहीं, उन्होंने कहा जी कि अब तय हुआ क्या अपोजिशन के साथ मिलके करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये अकेले नहीं करनी चाहिए, ये मिलके करनी चाहिए।
हमने जब बात की लोगों से, MQM के लोगों से, GDA वगैरह के लोगों से, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने कह दिया वहाँ जाके कि हमने नहीं वोट इस पर भी डालना, हमें कोई ब्रीफिंग दे बताएं तो सही। अब ये किस तरीके की आप इतना बड़ा जिहाद करने जा रहे हैं कि योर प्रेपरेशन ऑब्वियसली ज़ीरो, लगता तो ये ज़ीरो, लेकिन असल बात क्या है, क्या हुआ अंदर खाने, क्या थिंकिंग थी, हमें बताएंगे। अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अली नवाज साहब स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन CDA अफेयर्स और सीनियर लीडर हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, PMLN के सीनियर लीडर हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मुसद्दिक मलिक साहब। और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब लीडर हैं, आप सीनियर तो नहीं कह सकते, उम्र तो इनके भी छोटे से ही हैं, लेकिन बहरहाल नहीं, आप सबसे छोटे हैं अभी तो, यू मस्ट फील सबसे छोटा। सर बताएं, पहले तो पार्लियामेंट पे वो चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे क्या करेंगे, क्योंकि आपने मैं खुद भी था, और जो आपने जो बात की वो थोड़ा सीक्वेंस उसका ये सीक्वेंस ये था कि उन्होंने आगे कहा, फिर अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया कि आपकी जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट की जो आप लास्ट ऑर्डर भी है, उस रिपोर्ट के अंदर कोई भी एक ऐसा पैराग्राफ बता दें जिसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ हो, और उस पूरे पैराग्राफ में आप बता दें कि कहाँ किसी को प्रॉपरली कहा गया कि इसके खिलाफ FIRs काटे जाएं, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। हम तो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले उसका कॉन्टेक्स्ट दिया, जो आपने पहले भी पूरा बताया कि सिर्फ ये नहीं, इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं और 80,000 हमारे लोगों की शहादतें हुई हैं और वो लोग भी मौजूद हैं, पर आज तक उनको भी कोई रिस्पॉन्सिबल फिक्स नहीं कर सका। तो उन्होंने कहा आप ऑर्डर करें, हम इस मुल्क में कोई होली कॉज नहीं है, आप ऑर्डर करें, आज हम FIR करते हैं और आपके सामने पेश कर देंगे। और फिर उन्होंने उसके बाद एक चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको यू हैव टाइम फॉर लाइक अ मंथ, और उसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा इसका कुछ जवाब लिखें और फिर हमारे पास सबमिट करें। अच्छा, ये जो बड़ी दिलचस्प बात हुई कि उन्होंने कहा कि जो जज साहब बेंच पर थे, उन्होंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं कि आपने एक और अब नेगोशिएशन करने जा रहे हैं उन लोगों से जो इनके कातिल हैं, और एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने लगे। ये बड़ी कमेंट आया था, उसका एक सिर्फ कमेंट था, जस्टिस साहब का नाम नहीं याद, एक कमेंट था, और उसके बाद उस पर कोई खास बहस नहीं, उस पर खास बहस नहीं हुई। उस पर मुस्तफ़ा ने कहा था कुछ, उस पर भी बात करेंगे। जी मुसद्दिक मलिक साहब, कोर्ट की जो बात। जी मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आप हुक्म करें, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को हुक्म का इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए। अगर कुछ करने को नहीं है तो उनको कहना चाहिए कि कुछ करने को नहीं है, और अगर कुछ करने को है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तो नहीं करना ना। इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में अगर वाकई वो समझते हैं कि जो हो चुका है उसके अलावा कुछ करने को है, तो फिर वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार नहीं करना चाहिए था, ना करना चाहिए। फिर वजीर आजम साहब जो करना चाहते हैं, जो वो समझते हैं कि अगर वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, मुल्क के वजीर आजम भी हैं, तो फिर उनको वो कर गुजरना चाहिए। दूसरी बात जो आपने, आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इन दिस सिचुएशन? आपने देखा तो है सारा, आपको लगता है कि कोई दिस एनीथिंग? देखिए मुझे कुछ अनोमलीज नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल APS के वाक़े के बाद मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि बहुत सी वो तमाम सियासी जमातों का इकट्ठ हुआ जिसमें एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई गई। उस वक्त ये बताया गया कि हमारे पास इन तमाम तंजीमों को ख़त्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अगर हम नहीं करेंगे तो इनके स्लीपर सेल्स चलते रहेंगे और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी चलती रहेगी और मुल्क में हंगामा आराई भी होती रहेगी। और आपको याद होगा ये वो वक्त है जब सालाना 3-4 हज़ार लोग जो हैं वो मर रहे थे और 500 के करीब दहशतगर्दी जो इस्लामाबाद तक सिचुएशन जी सेल्फ वो क्या होता है जिसमें आप अपने आप को बम से और खुद सुइसाइड बॉम्बिंग जो है वो 500-600 सुइसाइड बॉम्बिंग सालाना हो रही थी। यानी आप सोचें इसका मतलब रोज दो हो रही थी, दिन में साल में 364 दिन होते हैं और 500 के करीब खुदकश बमबारी के वाकयात हो रहे थे। तो अब जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि उस वक्त हमें ये कंसेंसस भी था और बताया भी गया कि ये रेजिस्टेंस के ज़रिए ही सिर्फ बात आगे बढ़ सकती है। अब बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है ये सीज़ फायर के जो बात सामने आई है कि नहीं, या वो गलत था या ये गलत है। अब कुछ बात हो रही है कि शायद हमें सुलह सफाई से करना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा मामला है तो हमें पीछे जाके देखना चाहिए हम जंग में। ये तो जब APS का वाकया हुआ तो तब भी
तमाम, तो आपको क्या लग रहा है? मुझे इनकंसिस्टेंट, मुझे कुछ पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था बातचीत करो, उन्होंने तो एक्चुअली टीटीपी के साथ एक टीम भी तैनात कर दी थी कि जी बात, यानी कि ये अप एंड डाउन सबके हवाले से रहा है कि इसको पॉलिसी को क्या करें। मैं समझता हूँ कि अभी वैसे मुस्तफा साहब इस पर ज्यादा बात करेंगे, उन्होंने एक बड़ी अहम बात आज की है, मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज है। आप गौर करें इस बात पे कि एपीएस के अलावा मैंने आपको बताया कि 3-4 हज़ार लोग सालाना मर रहे थे इस दहशतगर्दी में, तो वो तमाम तकरीबन कोई घर, बिलौर साहब की एग्जांपल है, हमारे वो एक इंटीरियर होम मिनिस्टर थे पंजाब के, उनको शहीद किए गए, तो हर जगह पे हर घर घर की ये दास्तान थी। तो मेरे ख्याल में अगर आपने कुछ मामला आगे बढ़ाना है तो मैं सब पहले तो हुकूमत को पार्लियामेंट को लेना चाहिए एतमाद में, और उसके बाद फिर मैं आई डोंट वांट टू टेक द थंडर अवे फ्रॉम द प्रपोजल, तो मैं चाहूंगा कि मुस्तफा साहब, नहीं मुस्तफा साहब, मैं चाहूंगा कि उस बात को आगे बढ़ाएं। तो ये बताएं कि जो कोर्ट आज प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर को कुछ करने की जरूरत है? डज ही नीड टू टेक एनी एक्शन या क्या? क्योंकि अक्टूबर 20th का ऑर्डर, दूसरा फिर टीटीपी पे बताइए। देखिए, जो सारी ये बहस इस वक्त है, इसमें जाहिर बात है सानिया एपीएस का जो अंधोनाक इंसिडेंट है, शायद हमारी मुल्क में टेररिज्म का गो के हर वाकया जो है वो उसके वो एक गमगीन वाकया होता है, लेकिन सानिया एपीएस ऐसा है कि जिसने पूरी दुनिया में लोगों के दिल दहला दिए। पाकिस्तान में तो उसका दर्द महसूस किया गया, लेकिन आपको याद होगा कि दुनिया के कई ममालिक में लोग मोमबत्तियां लेकर बाहर निकले, उन्होंने रखी, पाकिस्तान की एम्बेसी को फूल भिजवाए, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया था कि जो हर इंसान के लिए एक तकलीफ दे वाकया था। बिल्कुल। और फिर जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उस वाकये के बाद फिर सारी जो सियासी जमातें थीं, फौजी क्यादत थी, एक पेज पर बैठे और फिर हमने ये फैसला किया कि बस ये इससे ज्यादा कीमत नहीं अदा की जा सकती, और ये जो हमारे साथ सानिया हुआ है इसके बाद हमने किसी को नहीं छोड़ना जी। और नेशनल एक्शन प्लान बना, और फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फिर उस नेशनल एक्शन प्लान का जो हशर हुआ वो भी फिर हमारे सामने, यानी कि उसकी चौथी या पांचवीं शिक है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मुल्क के अंदर नफरत आगेज तकरीर, मवाद, शिदत पसंदी के नज़रियात, इनको बढ़ाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और बड़ा सख्ती से उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। ये एक हफ्ता पहले तरीके लबा, दो हफ्ते पहले तरीके लबैक के साथ आपने क्या किया? कालेदम आपने उनको करार दिया हुआ था। उनकी कौन सी ऐसी तकरीर है जिनके अंदर उन्होंने नफरत अंगेज बातें नहीं की? उन्होंने इस मुल्क के चीफ जस्टिस के बारे में क्या गुफ्तगू की? उन्होंने इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में क्या गुफ्तगू की? इस मुल्क के वजीर आजम के बारे में क्या गुफ्तगू की? और उसके बाद अब परसेप्शन ये बना है कि ये जो लोग हैं इनके सामने रियासत ने घुटना टेक दिया। और इस माहौल में जब आप टीटीपी के साथ गुफ्तगू शनीद शुरू करेंगे तो फिर आप खुद बताएं कि सानिया एपीएस के जो वालदैन है, जो डायरेक्ट मुतासरीन है, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? वो वहां पर आज जो अभी गुफ्तगू आप दिखा रही थी अपने इंट्रो में, आज वो ये गुफ्तगू ना करें तो और क्या करें वो? तो हमें इस सारी सूरत हाल में, अब जो हमें दो दिन पहले ब्रीफिंग दी गई, और ये नुकता भी तवज्जो तलब है कि हमें दो दिन पहले ब्रीफिंग दी जाती है, उसमें हम ये फैसला करते हैं कि ठीक है हमें ब्रीफिंग मिल गई है, हम अपनी पार्टीज के अंदर बैठ के इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगले दिन खबर आती है कि जी कि सीज़फ़ायर भी हो गया। तो हमें बतलाया तक नहीं गया। तो जो सैंक्टिटी है सारे प्रोसेस की, वो जब आप उसको अंडरमाइन करना शुरू कर दें और सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे हमें बताएं, और तो फिर ये मत एक्सपेक्ट करें कि हम रबर स्टैंप होंगे और फिर आपके किए हुए फैसलों के ऊपर हम आके सिर्फ मोहर लगाएंगे। तो ब्रेक लेते अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप आप रिकमेंड क्या करें? नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, टीटीपी के हवाले से फिर आगे बात करेंगे कि जो आज जो इजलास मौखर किया गया कल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साने एपीएस की, और उस पर वेरी क्विकली वील गो टू मुस्फा जी। मुस्फा, आपने तो प्रपोज किया है कि एक रेफरेंडम करें कि टीटीपी से बात हो या ना हो। मैं तो ये सवाल आपसे करूंगी कि इस तरह की डिसीजंस क्या रेफरेंडम से होनी चाहिए? यानी कि ये तो बड़ी सोच विचार का मामला है। अगर आप मुझे कहेंगे जी पार्लियामेंट में एक कमेटी हो जहाँ के सब इसको डिस्कस करें तो मुझे समझ आती है, बट रेफरेंडम का क्या करें? और वैसे भी इट्स अ डन डील लगता है। मैंने ये तजवीज़ इसलिए दी है जी कि मंदरजा ज़ेल वजूहात की बुनियाद पर इस पर गौर किया जाए कि पहली चीज़ ये फैसला इतना इम्पोर्टेंट फैसला है, इतनी इमेंस पब्लिक इम्पोर्टेंस का फैसला है कि ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। चंद लोग या हुकूमत बैठकर यह फैसला कतन नहीं कर सकती।
یہ فیصلہ جو ہے اس ملک کے 80,000 لوگ شہید ہوئے، اس ملک میں جو وکٹمز ہیں وہ اکراس دا لینتھ اینڈ بریتھ آف پاکستان وہ اس ملک میں وکٹمز ہیں، اور ہم ان کو کیا جواب دیں گے اگر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی کہ ہم آج ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، تو ان کے جو پیارے ہیں ان کی قربانی کس لیے تھی؟ یہ جو آخر ہم یوم شہداء مناتے ہیں یہ کس لیے؟ کیا یہ پھر اگلے سال سے یوم شہداء نہیں ہوگا؟ یہ بڑے تلخ سوالات ہیں. سانے اے پی ایس جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، جو والدین ہیں، ہم ان کے سامنے کیا جواب لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو آج جو پنجاب پولیس کے بہادر اہلکار شہید ہوئے ان کے پاس جواب دینے کو نہیں ہے کہ ان کی شہادتیں کس لیے تھیں. تو یہ اتنا ایموشنلی ایک چارج کانورسیشن ہے کہ اس میں کسی کو بھی، میں سمجھتا ہوں میری رائے میں، کہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی قوم کرے، یہ فیصلہ آئین کے تحت، آئین میں پروسیس دیا ہوا ہے کہ ریفرنڈم کس طرح کرایا جا سکتا ہے اور اس میں ہاں یا نہ میں سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو اگر آئین میں یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ اہم سوال کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے ان کی رائے لی جائے؟ علی نواز، اچھا میں دو تین پر کلیئر کر دیتا ہوں. 2018 میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک سو موٹو لیا تھا اور اس کے تحت ایک کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن نے اپنی رپورٹ دی اور آج بھی سپریم کورٹ کے اندر کہا گیا ہے اس میں ایک بھی پیراگراف بتا دیا جائے جس میں یہ کلیئر کٹ کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کر دی گئی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ اس کو فلاں فلاں ایجنسی کے تحت ٹرائل کیا جائے. دیر از نتھنگ لائک دس. اور باقی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. جو مصطفیٰ مصطفیٰ جو بات کر رہا ہے، دیکھیں اگر یہ چیز پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہو اور میں اس کو سمجھوں کہ بہت غلط ہوئی ہو تو میں سمجھوں، اور میرے اپنی بھی ایک سوچ ہے چاہے اسے غلط، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی کالعدم نہیں قرار دینا چاہیے کسی بھی جماعت کو. دیکھیں اس ملک کے اندر ایک نیپ ہوتی تھی میم 1964 میں، آپ نے اسے بین کیا، شدت پسندی آئی، پھر آپ نے اے این پی بنا کے اس کو ریگولرائز کیا، پیپلز پارٹی کو آپ نے بین کیا، الزوالفقار بنی، الزوالفقار نے جو کارنامے دکھائے وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد آپ کو پتہ طریقے نفاذ شریعت محمدی بنی تھی 1990 میں، صوفی محمد صاحب نے بنائی تھی، منگورا کی روڈ بلاک کر دی تھی، پیپلز پارٹی نے کوئی ریفرنڈم نہیں کرایا تھا، ان کے ساتھ ڈسکشنز کی تھی اور رستے کھلوائے تھے. جی جی رستے کھلوائے تھے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے سوات آپریشن سے پہلے پیپلز پارٹی بیٹھی تھی اور مولانا فضل اللہ کے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اس سے پہلے بہت ساری شہادتیں ہو چکی تھیں، پولیس والوں کی ہو چکی ہوئی تھیں، بم پھٹ رہے تھے اسلام آباد کے اندر، بم پھٹ رہے تھے، سروں کو فٹ بال بنا کے سروں کو فٹ بال بنایا جاتا، اور پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی. اور آئین میں ترمیم، آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے نظام میں عدل ریگولیشنز آئیں، کوئی ریفرنڈم کال نہیں ہوا. ایز اے اگر ڈسکشن فورم ہو اور آپ کہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی ڈسکشن ہونی چاہیے، پر ہم کچھ کر کے دکھا چکے ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ٹی ایل پی کی بات کریں صرف، اور ٹی ایل پی آج مین اسٹریم میں آتی ہے، الیکشن لڑ رہی ہے اور پہلے سے لڑ رہی ہے، ہم سے پہلے سے لڑ رہی ہے، اور آپ انہیں بٹھاتے ہو، نسیم زہرا ان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ تو ناراض کچھ اور لگاتے ہیں اور آپ کے مقاصد کچھ ہوں گے، ایکسپوز ہوں گے. ہاں بالکل. اور جب ایکسپوز ہوتا ہے بندہ، جب آپ اس کو ایک، اچھا لیٹ می گو ٹو مصطفیٰ، ٹی ٹی پی مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی تو آخر فیصلے کیے نا، آپ نے کیے، آپ نے ریفرینڈم تو نہیں کروایا، تو ریفرینڈم کیا بات ہے؟ ڈرون اٹیک کرائے، ریفرینڈم کرا لیتے اس ملک میں، ہم ڈرون اٹیک کی اجازت دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ سوات والا زیادہ ایگزامپل بیٹھتا ہے. دیکھیں ہم نے جو معاہدے کیے، جو بازی میں جتنے بھی معاہدے ہوئے، ان سارے معاہدوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ سبق تو ان کا ایک ہی سبق ہے کہ آپ جب بھی معاہدہ کرتے ہیں اس کو اپیزمنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے، ریاست کمزور نظر آتی ہے، اور وہ جو وقت انہیں ملتا ہے اس کے اندر وہ ری گروپ ہوتے ہیں، اور ری گروپ ہو کے دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں. کیا یہ سوچ، جس سوچ میں ہم عام جو شہری ہیں کہ جو ہمیں برداشت نہیں کرتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، جو ایک ایکسٹریمسٹ ویو لیتے ہیں ہر چیز کے اوپر، ایک ریگریسو سوچ ہے، وہ کیا فوراً اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے ہم سے انگیجمنٹ کر کے؟ تو اس میں، اور پھر ریفرینڈم کا جو اس سے اہم سوال کیا ہو سکتا ہے اس وقت قوم کے سامنے، کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ ارے بھائی معاف، 80,000 لوگوں کے قاتلوں کو آپ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیے، پھر یہ فیصلہ کون کرے؟ علی نواز، یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، کیونکہ سچی بات ہے یہ 8-10 مہینے سے یہ پروسیس چلا ہوا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ کے انہیں معاف کر دیں. انہوں نے پتہ نہیں کیٹیگرائز کیا ہے کہ بلیک اور ریڈ، اور نو کلیئرٹی، دیر از نو کمیونیکیشن. نیدر ور وی انفارمڈ. طاہر القادری صاحب، ہمیں اس بریفنگ میں قطن یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے یہ کیٹیگری بنائی ہے. میں آپ پاکستان جب سے بنا اور آج تک کے لے لیں، جتنے معاہدے ہوئے جس جس جماعت سے ہوئے، کس میں کلیئرٹی تھی، کس میں؟ دیکھیں بات کریں، یہ مقصد ہے ٹو رونگز نیور میک ون رائٹ، انڈرسٹینڈیبل.
हम पाकिस्तान की मिसाल नहीं लेते, आपके सामने 1968 से 1998 तक इंग्लैंड ने क्या फेस किया है आयरिश रिपब्लिक आर्मी के साथ, क्या फेस किया, क्या कहती थी मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी कहते थे उसे। जो रियासत होती है वो इस तरह नहीं सोचती, आपको बहुत बुरा लगेगा पर रियासत ने बहुत जगह जुल्म भी किए होते हैं। इलाके पाकिस्तान बुगटी साहब ने साइन किया था और हमने उनके साथ क्या किया, आप आए थे आपने क्यों कहा कि हकूके बलोचिस्तान होने चाहिए, कोई रीजन रख के किया होगा ना, कोई माफ करने की दिमाग में मंतक आई होगी, रियासत ने भी कहीं गलती की होगी, रियासत अपनी गलती क्यों नहीं मानती, रियासत ये क्यों नहीं सोचती कि आपने अपने मुल्क के अंदर जो 2800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और आप अपने मुल्क के अंदर अलाउ कर देते हैं ड्रोन अटैक्स होना, आप अपने मुल्क से लोगों को पकड़ के लोगों के हवाले करने लग जाते हैं और रियासत करती ही क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा मतलब बायो करने वाली बात है, पर मुश्किल फैसले रियासत ने करने होते हैं, आप लोगों को कम करते हैं, लोगों को अलहदा करते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। नहीं, देखिए हर जमात में कोई एक्सट्रीमिज्म होती है, कोई एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कोई मिडिल लाइनर होते हैं, कोई हार्ड लाइनर होते हैं, आपने उनको उनके अलहदा करना, तो किसी किसी वजूहत के साथ उनसे मिले होते हैं, रियासत ने कहीं ना कहीं गलत रोल प्ले किया होता है। जब आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलहदा कर देते हैं तो उनका एक जोर टूटता है, वो मेन स्ट्रीम में आते हैं, वो एक्सपोज होते हैं और रियासत आगे चल पूरी दुनिया में ये हो रहा है। देख प्रॉब्लम में जब आप एक नेगोशिएशन करते हैं और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कम्युनिकेशन तो बड़ी क्रिटिकल होती है, बड़ी सेंट्रल होती है, तो इन दिस केस कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ हुकूमत की है कि भाई व्हाट इज द शेप ऑफ दिस नेगोशिएशन, क्योंकि नेगोशिएशन तो हो रही है। टीटी जी, मैं उस पे आता हूँ। देखें अभी दो हफ्ते पहले हमें बताया गया और किसी आम आदमी ने नहीं बताया, वज़रा जो काबीना का हिस्सा हैं उन्होंने हमें बताया कि TLP जो है वो भारतीय एजेंट है। आप क्लिप चला दें और हमें ये बताया कि भारत से पैसे के भी हमें वो मिल गए हैं और ये भारतीय रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कौन सी बात झूठ थी? अब आप भारतीय एजेंट्स के साथ उनको गैर कालदम कर रहे हैं, क्या वाकई आप ये समझते हैं कि भारतीय एजेंट्स और भारतीय पैसे के ज़रिए भारत के ईमा पे यहाँ पे दहशतगर्दी की जा रही थी, क्या आप वो बात सच्ची थी या उस वक्त आप गलत बयानी से काम ले रहे थे, सियासी एक आपने वो स्पीच की और फिर अब आपको ये ख्याल आया कि असल में भारत का तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये कुछ थोड़ा सा जरा हल्ला गुल्ला ज्यादा हो गया, हमारे अपने बहन भाई हैं, हमें इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर आपकी बात हम ये मान लें तो बाकी दीगर जो तंजीमें और दीगर अशखास जिनको आप भारतीय एजेंट कहते हैं या गद्दार कहते हैं या मुल्क दुश्मन कहते हैं, MQM तो कह रहे खोलो हमारे दफ्तर, वो MQM के अलावा बेशुमार हैं जी, अब मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ तहारीक हैं जिनके मुतालिक हुकूमत बारहा ये कहती है कि ये गद्दार हैं, ये मेरा पॉइंट ये है कि हम किस बात पे एतमाद करें। देखिए अगर तो वो भारतीय एजेंट हैं और भारतीय पैसा लेके भारत के ईमा पे दहशतगर्दी कर रहे थे तो मैं नहीं समझता कि ये जो आज ये बात कर रहे हैं कि हमें उनसे बैठ के, और ना सिर्फ ये जो भारतीय पैसा लेके भारत के ईमा पे काम करते हैं आप उनको पॉलिटिक्स में लाना चाह रहे हैं, तो आप ये फैसला कर लें। अगर गलत बयानी आपसे हो गई है तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर मैं समझता हूं डिसेंसी ये रिक्वायर करती है कि आप बोलें कि हमने गलत बात कर दी थी और अब हम असल में वो बात नहीं थी मगर ये कुछ दहशतगर्दी। बात बहुत अच्छी डिस्कशन की तरफ जा रही थी, अगर पॉइंट स्कोरिंग की बात है, नहीं मैं पॉइंट स्कोर नहीं कर रही है, आप कहते थे यहूदी लॉबी है, आप क्यों कहते हैं नहीं, अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है ना, अगर ये पॉइंट आपने MQM में आपके अलायंस में बैठी हुई थी और आप कहते थे MQM फंडिंग लेती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये फॉर एवर डिबेट होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं कि आज हुआ क्या। आज प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही फरमाया कि जहाद के लिए तैयार हैं, कल वोट डालेंगे और ये डेमोक्रेसी को आप मजबूत कर रहे हैं, इमरान खान को मजबूत नहीं कर रहे, पता चला घंटे के अंदर अंदर आ गया एक ट्वीट सेइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट, और उनका मुखर कर रहे हैं सेशन कल का, और इसलिए मुखर कर रहे हैं कि अब अपोजिशन से मिलकर चलेंगे तो अकेले अकेले ये नहीं हो सकता चेंज। हाँ जी, हुआ क्या है? बिल्कुल यही बात है कि ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आज बुलाया गया था और कल सेशन था।
आप ये समझिए जैसे बिल्कुल उसका अगली लिमिट ही कोई नहीं रखी गई कि पता नहीं अब कहाँ होगा या होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट वीक उसको दोबारा बुलाया जा रहा है और सारी इत्तेहादी पार्टी और लोगों ने यही कहा कि एक चांस अपोजिशन को और दे देना चाहिए, क्योंकि पिछले हम 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए टेबल के ऊपर बैठ जाए। 49 टोटल इशिके हैं इसके अंदर, 40 के ऊपर अपोजिशन को कोई मसला नहीं है। 2-3 ऐसी चीजें हैं जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और ईवीएम है जिन पे इनको है इतराज, तो हम कह रहे हैं इनको एक हफ्ते का मौका और दिया जाए, बैठे हमारे साथ आके अपनी कोई तजावीज दें। यही बात प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी की थी, हम शायद भूल गए उस चीज को। उन्होंने कहा कि इफ यू हैव अ गुड प्रपोजल जिससे अच्छी कोई बेहतर तजावीज है, मैं ईवीएम को पीछे ले लेता हूं, आप वो दे दें, हम उसको देखें मसला क्या। आप ये कहते हैं कि मैग्नेटिक इंक फेल हो गई, दूसरा आरओ का इलेक्शन था, तीसरा आप ये कहते हैं आरटीएस का इलेक्शन था। ओके, अगर हम ईवीएम नहीं लेके आते, कुछ नहीं करते, तो फिर इलेक्शन आरटीएस भी होगा ना, तो वो किस तरह ठीक हो जाएगा? मुझे इजाजत दे ली, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती, मेरिट और डिमेरिट, मैं जरा ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सी इश्यूज में ये सवाल उठता है कि आप लोग जब एक चीज करने चलते हैं तो आपकी तैयारी कितनी होती है। मेरा ख्याल ये वैलिड सवाल है, जबकि प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे थे कि कल जो जॉइंट सेशन होगा उसमें वोट डालेंगे, तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आपने अपने इत्तेहादियों से बात की हुई, बात तय हुई है। जब हमने आपके इत्तेहादियों को कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी हम तो, हमें कहा कि ब्रीफिंग दे, अभी हमें बताएं, हमें समझाएं। इत्तेहादियों ने जो आप फरमा रहे हैं वो किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमने कहा अपोजिशन को टाइम दे, वो कह रहे हैं हमें इन्होंने बताया ही नहीं, तो आप बगैर तैयारी के कूद पड़ते हैं, ये सवाल है, असल सवाल ये है। पिछले भी जॉइंट सेशन हुआ था उसके अंदर भी लेजिस्लेशन हुई थी, बिल्कुल इसी तरह हुई थी, और इस दफा भी ये चीज थी। अब वो कह रहे हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता उन्होंने आपसे बात की, हमसे तो ये बात नहीं की है, पर हमारे सामने जो बात हुई है वो यही बात हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी भी ऑब्जर्वेशन है और अगर ऑपोजिशन की भी ऑब्जर्वेशन है तो हमें एक हफ्ते का टाइम और ले लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी भी ऑब्जर्वेशन है, आप जो कह रही हैं, लेट्स सी, आपने जी जी 100% हर चैनल में चला, यही बात है कि एक हफ्ते का और टाइम लेते हैं और उस एक हफ्ते के अंदर हम दोबारा कोशिश करते हैं, वरना हम जॉइंट सेशन दोबारा बुला लेंगे। ये आप क्यों इतनी, इसके बाद एक हफ्ते का और टाइम ले, अगर यही बात है, अगर आप तैयारी की बात करें, ये लोग हर रोज अदम एतमाद कर रहे होते हैं, फिर 3 दिन बाद अदम एतमाद वापस ले रहे होते हैं, फिर अदम एतमाद के बाद रो रहे होते हैं कि हमारे बंदे टूट गए, फिर ये कहते हैं कि हम स्पीकर को ये करेंगे, आगे पीछे करें, कौन सी तैयारी के साथ कर रहे होते हैं? कोई तैयारी नहीं होती, हमेशा कहते हैं आप पहली लॉन्ग मार्च फजलों ने मान लेके आए, फिर पीडीएम बना के लेके आए, फिर पीडीएम तोड़ के लेके आए, क्या है इसके अंदर? ये चीजें होती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बट आप ये देखें क्या उसकी डायरेक्शन ठीक है, क्या इसके अंदर पीटीए का कोई फायदा है सिर्फ, या वो चाह रहे कि रिफॉर्म्स लेके आए जो हमारा एजेंडा है, हम तो अपने एजेंडे के ऊपर खड़े हुए हैं। अली, लेकिन जितनी आप अपनी तरफ से जो आपकी सबसे अच्छी बात आप करना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, तो जो नहीं आप कर दीजिए, नहीं उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए तैयारी द पॉइंट, अभी वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं हम तो छोड़ देंगे इत्तेहाद। सच्ची बात देखिये, मेरे ख्याल में ये कि ख्वाहिश इनकी यही थी शुरू से कि हम जॉइंट सेशन के अंदर, बेशक अपोजिशन मुखालफत करती है, हम इसको पास कराएंगे, अददी बरतरी है हमारे पास, लेकिन शायद को मौसम में ऐसी कोई तब्दीली आई है, सर्दियों की तरफ आपको पता है हम जा रहे हैं शदीद, वो तो मरी से सर्दी आती है, इधर कहीं पिंडी विंडी से तो नहीं आ रही, तो आ गई है ऐसी सर्दी कि जिसके नतीजे में हलीफो इनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि जी के हमें तो आपने ब्रीफ ही नहीं किया, हमें जरा देखने दें, हम भी इसके ऊपर अपने रिजर्वेशन रखते हैं। तो एन मौके पे 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म की आपने खुद तकरीर दिखाई और 1 घंटे बाद इत्तेहादियों को क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी कि नहीं, और ये हम सब वाकिफ हैं कि ये बातें बहुत पहले तय होती हैं, तो इत्तेहादियों के जहन में भी जो सोच पैदा हुई है, जारी बात है कराची से आए हैं ठंड है इस्लामाबाद में, लाहौर से आए काफ वाले ठंड है इस्लामाबाद में, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। और दूसरा फिर आज एक और अहम वाकया ये भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो वज़ीर आज़म साहब गए हैं, भले कुछ उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना हो, लेकिन एक मिथ भारत और टूट गई है कि अब अदलिया भी सवालात पूछेगी, हुकूमत से सवालात पूछे जाएंगे, तो ये 1 दिन के अंदर 2 झटके मेरे ख्याल से अब रोज़े रोशन। अच्छा, आपके आपका तो इशारा, लेट मी से दिस ब्लंटली, आपका तो इशारा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट हट रही है, तो इस वजह से लोग ये कह रहे हैं। मैं बड़ा क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ, कहें फिर क्लैरिटी से, हमने सुना, हमने सुना और कहीं रिपोर्ट भी हुआ कि कुछ वज़रा गए थे रात को मनाने के लिए चीफ साहब को, कब जो गुजरी रात है? नहीं नहीं आज नहीं, तो पुरानी बात है, वो आईएसआई वाले चीफ, तो जिस वक्त वो वहां पर वज़रा बैठे हुए थे, सुना है वल्ला आलम, आपको पता है इस्लामाबाद में गॉसिप तो फॉरेन ट्रैवल करता है फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो कि एक साहब ने कहा कि जी बस वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश ये है सर के प्रोसीजर के मुताबिक हो जाए चीजें, तो फिर कहा गया ठीक है, तो अब प्रोसीजर के मुताबिक जब चीजें होंगी, जब इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाएगी, जब हर चीज इनके लिए मैनेज नहीं की जाएगी, तो फिर भुगते हैं, तो अब तो चीजें तो आपके, तो फिर आप कह रहे हैं कि अब चीजें तो आप कह रहे हैं इत्तेहादी जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं,
फिर तो देखिए ना, आप और मैं हर चीज से वाकिफ है। हम तो बहुत सी बातें टीवी चैनल्स के ऊपर करते नहीं है, लेकिन वाकिफ तो हम बहुत सी चीजों से होते हैं कि जो अगर बजट आ रहा है, बजट पास कराना है, तो सारे बंदे कौन इनके लिए इकट्ठे करता था? कोई इनके चीफ व्हिप साहब करते थे? कोई भाई भाई आते थे? जी बताएं आप क्या मैनेजमेंट। फिर मैं वेलकम टू। देखिए मैं इसके पीछे जो है ना, ये बातें तो हो गई, अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके पीछे वजह क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। मुझे ये लगता है कि एक तो ये सेम पेज वाली बात तो अब कोई कर नहीं रहा, मगर वजह इसकी जो है मैं समझता हूँ वो ह्यूब्रिस है, वो एक अना का फैक्टर है जिसकी वजह से आप और ये तारीखी तौर पे देख लें, आप माजिद खान साहब का हाल देख लीजिए, उनके साथ क्या हुआ, वो क्या कहते रहे, उसके बाद आप ये जहांगीर तरीन साहब जिन पे आजकल बेशुमार इल्जामात लग रहे हैं, रिपोर्टों में उनका नाम आ रहा है, वो जी जमानतें करवा रहे हैं, लेकिन यही वो जहांगीर तरीन खान साहब थे जो सारी पार्टी का खर्चा उठाते थे, उस वक्त भी यही शुगर मिल चला रहे थे। फिर अलीम खान साहब को देख लीजिए, उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जिस ने इस हुकूमत को और उसके सरबराहान को सपोर्ट किया है उसको डसा गया है। उसके नतीजे में हुआ ये है कि अब इनकी हलीफ जमातें भी जो हैं वो पहले तो धक्कमपेल सहती रही हैं, उनको कई दफ़ा धक्के पड़े हैं, कई दफ़ा उनको चोर कहा गया, फिर वजीर बनाया गया, फिर चोर कहा गया, फिर वजीर बनाया गया, फिर चोर कहा गया, फिर कहा गया डकैत, ये इस इलाके के सबसे बड़े डकैत हैं, ये इस इलाके के सबसे बड़े चोर हैं। थक जाता है ना आदमी, एक इंतहा होती है इस्तेमाल होने की। जिसके बाद थके तो नहीं, वो तो काबीना में आ गए जी, मगर उसके बाद आज उन्होंने कुछ थकन के आसार आपको नजर आए हैं? ये जो आज दो जमातों ने जाके इनको जो भी रिजर्वेशंस का इजहार किया, क्यों किया? कि जब तक तो वो उनको कहा जा रहा था कि भाई सब पूरा मुल्क एक ही पेज पे है, हटना नहीं है, तो अब जब आप हर पेज को फाड़ना शुरू कर देंगे और उसको रेजा रेजा करके डस्टबिन में फेंकते चले जाएंगे तो किसी ना किसी दिन तो लोग चीखेंगे ना। तो मुझे ये लगता है कि लोग चीख पड़े, यानी वो जो अना, वो जो पहले सकम करते थे या कहते थे कि रियली व्हाट शुड वी डू, उन्होंने फाइनली ये फैसला किया कि इट्स टाइम टू डू समथिंग। अच्छा मुसद्दिक भाई ज्यादा जानते हैं, अपने लीडर को भी ज्यादा जानते हैं, वो ये ज्यादा सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनके नुमाइंदे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब कह रहे थे बैकडोर रबते खत्म करें और उसके आगे हैं, तो ये इनको ज्यादा जानते हैं, उनको सारी शुरू से सियासत उनके साथ की है, मतलब जुनेजो को डसा है, पता नहीं किसने डसा, किसके ईगो का इशू था, आई डोंट नो, मौलाना समी उल हक को डसा तो किसने डसा, पता नहीं क्या इशू इंस्पायर्ड है, सुनते भाई का मसला हमेशा ये है, ये बड़ा अच्छा सा एक माहौल बनाते हैं और जब माहौल के अंदर कोई पेचन करता है तो बोल पड़ते हैं। जहांगीर करामत साहब हो गए, काकड़ साहब हो गए, मुशर्रफ साहब हो गए, माशाल्लाह इनकी तो हिस्ट्री ऐसी है, सीओडी पार्टियां करती हैं और एक दूसरे को डसने लग जाती हैं, इनके तो ये सोच यहीं से शुरू करते हैं। अगर अगर आपने कोई प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, अगर समझते हैं, इसमें मुझे डिस्कशन ही होनी चाहिए। 49 पॉइंट्स हैं इसमें डिस्कस करने, क्या गलत है क्या ठीक है? आप कहें और आप आके यही कहेंगे, फिर देखें ना कुछ नहीं, कुछ कहेंगे ये हो गया अपना, फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसके जो सियासी मायने हैं ना, लास्ट सियासी जो इसके मायने हैं, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव नंबर्स, गवर्नमेंट डज नॉट हैव नंबर्स, और गवर्नमेंट जो है हमसे हमसे इंस्पायर्ड है, हमसे मेरी बात सुन ले, हमसे इंस्पायर्ड, सदीक भाई की सुन ले, वो चारे हाल बुरे हैं, हम उसको हमें आदत थी डसने की। बहुत शुक्रिया नाजी, इसी पर आज हम खत्म करते हैं और ये बताते चलें कि अली नवाज साहब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ये जॉइंट सेशन होगा एंड दे विल प्रूव के नंबर्स हैं या नहीं है, तो अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे। हमारी तरफ से आज इतना ही, पाकिस्तान जिंदाबाद।